नाइन्थ तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, उसके बीच में एकदम नॉन स्टॉप चलना चाहिए। और आपने लर्निंग आउटकम्स में है सर थर्ड वाला जो है ये वहां डिजिट के हिसाब से थर्ड वाले को जो गिनती है वो 4×9 तक आनी चाहिए, यानी 10,000 नहीं है वहां 9,999। कोई इस तरह की एक्टिविटी उसको इंट्रोड्यूस करूं कि उसको जीरो के बारे में भी मसला हल हो जाए उसका, और डबल डिजिट को भी सीख जाए वो। फिर जब ये बार बार में करा रहा हूं तो आहिस्ता आहिस्ता उसको ये भी आ जाएगा कि ये सिंगल डिजिट है, अकेला है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, ये भी यानी 9 तक ही अकेले अकेले। फिर मैं ऑब्जेक्ट्स के थ्रो भी कराऊंगा उसको कि अब सिंगल डिजिट को देख रहा है, ठीक है। फिर 9 तक बार बार कराने से फिर मैं 10 इंट्रोड्यूस करने के लिए जो ही मैं 9 स्टिक्स ली मैंने बार बार करके उनको कहूंगा बच्चों आज हम जो है 9 से आगे चले, एक स्टेप आज हमने आगे चले, बता देंगे बच्चे, बता देंगे कि एक डालेंगे इसमें वो 10 बन जाएगा क्योंकि उनको वो चीज आ गई होगी उसको। तो मैं कहूंगा 1, 2, 3, 4 बंडल का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना है कि 10 चीजें जब 10 हो जाएंगी तो वो एक बंडल बन जाता है। वो क्या बन जाता है? एक बंडल। क्या बन गया? एक बंडल बन गया। क्या बन गया? एक बंडल बन गया। बन गया ना? 9 के बाद जो आता है वो 10 होता है, लेकिन 10 में होता है बंडल। 10 में क्या होता है? बंडल। अब उससे पहले आप एक तो इस तरह के, ये मैंने इसलिए रखे थे ये वाले डब्बे कि इनमें हम कुछ चीजें रखकर भी छोटा छोटा बीज होगा ना, जैसे मक्की के दाने बार बार एक्टिविटी करा सकते हैं, इसमें एक दाना डालना, इसमें दो डालने, इसमें तीन डालने, 9 तक। जब 10 की बारी आ जाएगी बस वो वाला पीरियड जो है क्रिटिकल पीरियड है। अब उस 10 को मैंने इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या कहना है कि बच्चों ये आज हम इस 10 पर जा रहे हैं, लेकिन 10 की शक्ल आपको दिख रही है, अभी तक आपको एक एक शक्ल ही दिख रही थी, लेकिन 10 पे जो है हमें दो शक्लें दिख रही है, एक ये वाली शक्ल है, एक ये वाली शक्ल है। इसको अब हम थोड़ा सा गिलास को इस्तेमाल करके हम इस शक्ल को सीखने की कोशिश करेंगे। फिर मैं इसको 10 पे ले जाने के लिए इसको मैं इस तरीके से बताऊंगा, आप मेरी हेल्प कीजिए। ये मेरा आइडिया है, आप इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, उसके लिए फुल चांस है और फ्लेक्सिबिलिटी है, ये नहीं कि ये फाइनल है। तो फिर मैं उससे पहले भी अगर मैं कोशिश करूं, बस ठीक है, तो अब वो इसको भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है। अब मैंने इंट्रोड्यूस करना है उसको कि जो 10 बनता है वो 2 डिजिट्स को मिलके बनता है। अभी तक आपको एक एक डिजिट ही आ रहे थे, यहाँ पर भी एक डिजिट है, यहाँ पर भी एक डिजिट है, एक डिजिट, एक डिजिट। अब हम जा रहे हैं कि 2 डिजिट वाले, 2 डिजिट वाले पे, तो 9 में जब हम ऐड करेंगे तो 10 बनता है। तो मेरे पास सपोज ये एक गिलास डाल देता हूँ, ये मैं डाल देता हूँ एक गिलास, इसमें मैं डालते जाऊंगा 9 डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा? 9 सिटिक्स मैंने उसमें डाल दी, इसमें मैंने इस तरह से भी हम समझा सकते हैं, 9 सिटिक मैंने इसमें डाल दी ना, 9 तक गिनती भी दिखाता गया मैं यहाँ सिंगल डिजिट 9 तक, एक अभी लिखा ही नहीं समझो, स्टार्टिंग में 9 तक। तो जो ही मैंने एक ऐड इसमें किया 10 वो बन गया, 10 वाला जो बन गया वो बंडल बना, और बंडल बना एक, ये बंडल एक है जी, अलग बंडल बनते हैं। अब जो बंडल की जगह है वो यहाँ से शिफ्ट हो जाती है, इस गिलास में इसकी कोई जगह नहीं, बंडल इस गिलास में सिर्फ 9 तक ही जगह थी, बंडल वाली जगह जो है इधर चली जाएगी, बंडल वाली जगह इधर पे चली जाएगी। तो बंडल की जगह, बंडल वाली जगह जो है, ये वाला घर बंडल का घर नहीं है, ये वाला बंडल वाला घर, यहाँ सिर्फ 9 ही आ सकते हैं, 10वें के लिए कोई जगह नहीं है, और 10 का बनता है बंडल, यानी एक बंडल बना वो। अब ये एक बंडल बना इसलिए इसके नीचे एक लिखा गया, नीचे जीरो, और तीली कोई नहीं है हमारे पास, जीरो आगे तीली कोई नहीं है, तो जिस भी बर्तन में कुछ नहीं होता है उसके सामने जो डिजिट होता है वो जीरो वाला डिजिट होता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे जीरो लिखेंगे। अब ये 2 डिजिट बन गई, 1 बंडल, तो तीली कोई भी नहीं, ये जीरो बन गया।
अब अगर हम इसकी जगह तीली और डालते जाएंगे तो ये बन गया वन बंडल वन तीली, ये बन गया हमारे पास अलेवन, फिर दो डालेंगे ट्वेल्व बनेगा। इसके इसके साथ फिर वो चीजें, इसको बार बार प्रैक्टिस करानी पड़ेगी, ऐसे काम होगा नहीं।